इनके सपनों में भरोसा और जान भी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। नमस्कार, आपने काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉगिंग देखा होगा क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी उत्तराखंड के अंदर देहरादून में, और मैं कंबल के अंदर था और मुझसे बाहर नहीं आ पा रहा था व्लॉग बनाने के लिए। आज बहुत ही बेहतरीन व्लॉग आप सबके सामने आने वाला है। मैं मसूरी जा रहे हैं पीछे से, अभी धूप निकली है थोड़ी देर पहले, तो हम लकी हैं कि जैसे ही मसूरी एंटर करें धूप जो है हमारे ऊपर पड़ने लगी, और सूर्य भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें इतना सहयोग कर रहे हैं और हमें ठंड से बचा रहे हैं। आज आपका विषय बता रखा है मसूरी। एक्चुअली मैं यहाँ रखा हूँ 3 दिन के लिए, लंडौर मेला चल रहा है मसूरी में इस वक्त। आपको सीधा दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे चल रहा है, कितनी चहल पहल है, और सीधा चलते हैं लंडौर मेला के अंदर। आपको दिखाते हैं कितने सुंदर सुंदर स्टॉल यहाँ पर, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं। हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है ग्रीन कॉफ़ी, जब हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। एंड ग्रीन कॉफ़ी हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है, फैट रिड्यूस करने के लिए सबसे इफेक्टिव है, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हमने इसे लॉन्च। तो हम क्या करते हैं, जिस जगह पे जिस लोकेशन पे जो प्रोडक्ट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, लाइक कॉफ़ी अगर कर्नाटका में बनती है जो एक्सपोर्टर होते हैं वहाँ से मटेरियल परचेज करते हैं, देन उसको हम अपने यहाँ पे पैक करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जितने भी टॉप मोस्ट सुपर मार्केट है लाइक देहरादून की बात करें, क्रॉस रोड मॉल में फ्रेश एंड ईजी सुपर मार्केट है, सुविधा सुपर मार्केट है, कुमार स्टोर है, इन सभी स्टोरों पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। देहरादून में हमारी कंपनी भी है, हमारे फार्म से स्कूल है जहाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, और आस पास के फार्मर्स को भी इसकी अहमियत बता रहे हैं। सीधा चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे खाने के लिए बना हुआ है। सर, हमने जो कैफे खोला था सबसे पहले हमने ही खोला था, और गढ़वाली खाना हम 365 डेज सर्व करते हैं। अच्छा। और आज हमने लाए हैं कंडाली के कबाब, स्टिंगिंग नेडल कबाब, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी नाइस। ओके। देन वी हैव कुलर दाल कबाब ग्राम के। ओके। और आपके है पिंडालू कबाब, दैट इज आपके अरबी के कबाब। अरबी के कबाब। हाँ जी। ये है कुची बिरयानी, कुची मॉरल मशरूम्स जी, उसकी बिरयानी है आज। और पिंडालू के आपके फ्रेंकी रोल है, और छोली रोटी रैप है। छोली रोटी वहाँ पे एक तरीके से बनती है आटे से, और जैसे हम लोग चीला बनाते हैं वैसे जी 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 छोली रोटी। ओके। देन आपके जखिया आलू के पराठे हैं और कुलर दाल पराठे। फिर आपके प्लेटर में राजमा है, रेड हर्षिल का राजमा, वाइट राइस या आप रेड राइस, और आलू तिजवानी बहुत बढ़िया। और ये एरसे हैं आपके, एरसे। ओके। अरसे। ओके। ये मंडले के लड्डू छंगोरों की खीर है, ठीक है। और आपकी बहुत सारी मतलब गढ़वाली से इंग्रेडिएंट से बनी चॉकलेट्स। वाओ। और फिर आपका गढ़वाली लून है, आपका रोडोडेंड्रन स्कॉच है, मंडुए की कॉफी। आपका लोकेशन बता दीजिए, आपकी ये शॉप कहाँ पे? जबरखेत। पूरा बता दीजिए कहाँ पे लोकेशन? जबरखेत मसूरी स्टॉक स्कूल से 1 किलोमीटर आगे है हमारा कैफे, और छोटा सा कैफे है और ऑन द रोड है, और उसको जबरखेत कहते हैं, जय स्टेट जबरखेत। और मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशु। आशु, तो आपने ये शुरू करा एक तरीके से? हाँ जी, मैंने शुरू किया। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और आप कभी भी मसूर आए तो जरूर इस जगह पे आए और विजिट करें और यहाँ का टेस्ट करें। जो खाना है बिल्कुल एक अलग ही तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ मिलती है, जो शायद ही पूरे उत्तराखंड में नहीं मिलती है। और क्रिएटिविटी देखने के लिए मिल रही है इसमें बहुत। तो दोस्तों, मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उनसे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है लंडौर मेले का, और जो उत्तराखंड की कला और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। विवेक सर नमस्कार, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे। तो सर, आप थोड़ा बताइए लंडौर मेला क्या है, आपने कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया?
लैंडोर मेला को ये 5वां साल हो गया। हमने 4 साल पहले जब ये शुरू करा था तो एक बहुत छोटा मेला था, करीब 18-20 हज़ार रुपए के अंदर अंदर हमने पूरा फेस्टिवल कर लिया था एक दिन का, और 4-5 ही स्टॉल्स थे। आज हमारे पास 30 से ऊपर स्टॉल्स हैं। 4 सालों में ये इवेंट काफी ग्रो करा है, बिकॉज काफी लोकल बिजनेसेस भी इंक्रीज करे हैं, बहुत सारे लोकल वेंडर्स इंक्रीज करे हैं, बहुत लोगों ने पहाड़ी खाना, गढ़वाली फूड, नेचुरल फूड बेचना शुरू करा है यंग लोगों ने, तो उस वजह से हमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं अच्छे नए लोगों को प्रमोट करने के लिए। हर साल हमारे पास 50-60 क्वेरीज आती हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। इस साल हमारे पास 79 स्टॉल्स की क्वेरीज आई थी जिसमें से हमने सिलेक्ट करके 30 दिए हैं। एक नया एडिशन जो साल हमने ऐड करा है, जो हम हर साल कुछ नया ऐड करते हैं, इस साल हिमालयन पैलेट हमने ऐड करा है, जो कि ऑथेंटिक गढ़वाली फूड फेस्टिवल है। एक फूड कोर्ट एरिया हमने क्रिएट करा है जो ऑथेंटिक लोकल जो यहाँ के शेफ्स हैं उनके लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट में कन्वर्ट करा जाए जो सिर्फ फूड प्रमोट करेगा, बट ये इवेंट लार्जली यहाँ के लोकल वेंडर्स जो नेचुरल, ऑर्गेनिक और हैंडमेड प्रोडक्ट्स उत्तराखंड में बनाते हैं, विलेजेस में बनाते हैं या रिमोट एरियाज ऑफ हिमालयस में बनाते हैं, उनको हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं। जो ब्रांड्स होते हैं हम उनसे स्टॉल फीस लेते हैं, जो छोटे वेंडर्स हैं उनको हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और इस वक्त जो है यहाँ पे चल रहा है गढ़वाली डांस लैंडोर मेला में, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से प्रस्तुति की जा रही है। इस वक्त आप चौमिन का लुफ्त उठा रहे हैं, तो बताइए सबसे पहले चौमिन कैसे हो रही है? चौमिन बहुत बढ़िया हो रही है, मैंने अपने लिए बिना मिर्ची की बनवाई है। बहुत बढ़िया। और आज यहाँ का लंडौर मेला का आखिरी दिन है। अच्छा, तो हम इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, मैं मेरे साथ विवेक सर हैं, और हम चाहते हैं कि आज ये ख़त्म बहुत अच्छे से हो और अगली बार हम इसको और अच्छे से कराया जाए। तो अभी ये 3 दिन का हुआ, अगली बार हम 5 दिन का करवाएं इसको। मेले को कराने में तो काफ़ी मेहनत लगी, हम लोग लगे हैं सुबह से, हम इसके साथ विवेक जो हमारे साथ है उनको मैं क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने काफ़ी काम किया है। और दूसरा, मैं यहाँ पर कैन बोर्ड सभासद होने के नाते मेरे को जो नोडल पर्सन बना है उसमें पूरी भागीदारी, और हम लोग लगे हुए इसको पूरा सक्सेस करने में। हमारे CEO कैन बोर्ड, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, और पूरे जो स्टाफ है कैन बोर्ड का उनका मैं थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट इस मेले को दिया है कि ताकि हम जितने भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनको अच्छी तरह से पर्यटकों का स्वागत करें, पर्यटक यहाँ से एक अच्छा सा संदेश लेके जाएं, नेक्स्ट ईयर जब ये मेला हो तो और बड़े लार्ज स्केल में हो। आपने इस रंग का नहीं देखा हुआ, लेकिन कभी आप संतरे को निचोड़ के देखा जो रस निकलता है उसका रंग ये होता है। अभी हम देहरादून आगरा और दिल्ली और चंडीगढ़ यहाँ के पार्टीज़ में ऑलरेडी अप्रोच करी, तो देखते हैं, प्लीज प्रे फॉर अस। हम लोग शायद फॉर इंडिया में अमेजोन, और हम लोग अमेजोन पे हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अस। हम लोग प्राइम सेलर हैं, वी आर फुलफिल्ड बाय अमेजोन के वेयर हाउस में हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रयास था कि इस बार मैं रॉयल कुजीन ऑफ द हिल्स लेकर आऊँ, और अगली बार मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो मेरी स्टडी है कि अगली बार इस लंडौर मेले में यहाँ से लाल टिब्बा तक में एक ऐसी दुकान लगाऊँ जो कम से कम 1 किलोमीटर लंबी हो, कुछ इस इवेंट को इतना इंटरनेशनल बनाऊँ कि लोग देहरादून एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे उतरे तो वो कहें उन्हें लंडौर मेला जाना है, उन्हें मसूरी नहीं जाना। मसूरी तो जाना ही है उन्हें, मसूरी इज़ द क्वीन ऑफ हिल्स एज आई हैव ऑलवेज सेड, एंड लंडौर इज़ द क्वीन क्राउन ऑफ द क्वीन। So let's start a beginning with all the fingers crossed and do everything to make this Landour and Mussoorie beautiful and green. और गढ़वाली भोजन का, पहाड़ी भोजन का लोग उठा रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस खाने के बारे में? लेकिन खाना तो बहुत 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 शानदार था, हमने ऐसा खाना अभी तक नहीं खाया। जैसे कि समोसे गिन लो आप जी, समोसे का टेस्ट एकदम यूनिक था, मतलब आज तक ऐसा यूनिक खाना हमने कभी नहीं खाया। और कढ़ी चावल, इफ यू कंसिडर
वो जो थाली दी गई हमें थाली वॉज अमेजिंग. उसके अंदर जो चावल और जो कढ़ी दी गई द टेस्ट वॉज सो गुड सो गुड. इट इज़ डिलीशियस. इट इज़ सो नाइस टू बी हियर. सब कहाँ से हैं? वी आर फ्रॉम अहमदाबाद. अच्छा. वी आर फ्रॉम ओके. Almudiyan dar hatan surala tune mere aaye.